हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और टेस्टी गोभी चॉप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि आपका विंटर फेवरेट स्नैक हो जाने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले हम गोभी चॉप के लिए बनाएंगे बैटर। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक बैटर बनाना है। पतला बैटर आपको नहीं बनाना है क्योंकि बेसन की जो कोटिंग है वो अगर पतली होगी तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इसका एक थिक बैटर बनाइएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। ऐसा करने से आपका जो बैटर है वो बिल्कुल लम्स फ्री बनेगा। ये देखिए, इतना थिक होना चाहिए बैटर, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। तो बस इसे हम साइड में रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 kg लिया था फूल गोभी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, कद्दूकस कर लिया है मैंने 1/2 kg गोभी को। इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है ठंडा करके। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुना ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 और कटा हुआ हरा धनिया 1/2 कप, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये गोभी चॉप। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। तो आपको जितनी बड़ी भी गोभी चॉप बनाने हैं आप उतना बड़ा पोर्शन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसे फ्लैट कर देंगे और इसे प्लेट पर रखते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये बेसन ले लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने गैस पर ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। आपको तेल रखने के बाद ही इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है लास्ट में। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे इस तरह से पहले कोट कर लेंगे बेसन से, उसके बाद इसे डालते जाएंगे तेल में। अच्छे से आप इसे बेसन में पहले कोट कर लें और फिर इसे इस तरह से धीरे से छोड़ते जाएं तेल में। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे और इसे हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। जब तक कि ये अच्छे से लाइट गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारे गोभी चॉप पे बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने इसे सर्व किया है हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसकी पिक्चर भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, आईडी मैंने दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।